नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। धीरेन्द्र शास्त्री वाला मंदिर बहुत चर्चाओं में है, बालाजी वाला बाला मंदिर, बागेश्वर धाम। हाँ, बागेश्वर धाम वाला मंदिर बड़ी चर्चाओं में है और धीरेन्द्र शास्त्री जी शास्त्री केस में। हाँ, कृष्ण कैसे हो गए, वो तो हनुमान भक्त हैं। धीरेन्द्र केस में शास्त्री बचते हैं। हाँ, तो वो अभी पटना में थे जी और बड़ी चर्चाएं थी। आ गए बागेश्वर धाम। तो आप लोग जा रहे हैं वहीं जी? दरबार लागू है, वहाँ लग गया दरबार जी, अभी लगा है। कैसे पता चलता है? वो मैं भी यूट्यूब में, मोबाइल, फेसबुक में भी आ जाता है, सब कुछ में आ जाता है। यहाँ से 33 किलोमीटर दूरी अभी बची हुई है जी, तो कैसे जाएंगे? 33 नहीं बचा है, 62 बचा है। 62 किलोमीटर वहाँ तक धाम किलोमीटर है। हाँ, 62 अबे बचा है, 85 है महुबा। हाँ जी, तो आज जाके तो लौट नहीं पाएंगे? नहीं, आज नहीं पहुँच पाएंगे, कल पहुँच पाएंगे सवेरे। रात भर चलेंगी तो सुबह पहुँच चलेंगे, सवेरे पहुँच पाएंगे जी। अच्छा, तो इतनी क्या आस्था है? मतलब इसलिए आस्था है कि मेरी पूरी हो गई, मेरा बेटा हो गया था बीमार, इसलिए पता ना पड़ता था क्या है क्या दवाएं, कुछ आराम नहीं लगता था। हाँ। जब से हम धाम पे गए, जब से आराम लगने लगा। हाँ। काफ़ी अपने काम जो करते हैं अपन, उसी में भी काफ़ी फायदा हो गई। हाँ। इसलिए हम अपनी खुशी से पैदल जाए। बालाजी का जो मंदिर है वो, मैं सही हूँ तो हनुमान जी का मंदिर है जी। चलते रहिए। तो हनुमान जी को राम उनके दिल में मिल गए, वो तो ढूंढने अयोध्या नहीं गए। आप लोगों की आस्था में तब कोई सवाल है कि उतना दूर आप लोग पैदल जा रहे हैं? नहीं, आस्था नहीं होती भगवान तो को जहाँ ढूंढे वहीं मिल जाते हैं। आस्था नहीं होती तो हम क्यों जाते? इधर आइए, इधर कहते हैं भगवान को जहाँ ढूंढो वहीं मिल जाते हैं जी। तो फिर आप लोग उतना दूर ढूंढने क्यों जा रही है? अपनी खुशी से देखिए, चलते रहिए। जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख पाती है। माँ को बेटा से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, तो अपने अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख पाती है माँ। नहीं, उसका दिल ममता भाई जी, होता है जी। तो जो जिन्होंने हमें बनाया होगा जी, जो भी खुदा अल्लाह ईश्वर जो भी है, जिन्होंने हमें बनाया होगा, उनको अच्छा लग रहा होगा। क्या आप इतने धूप में जलते हुए जा रही हैं दर्शन? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन किससे कहते हैं कि आप ये करो? हाँ। कोई कहता है, कोई नहीं कहता। हाँ। भगवान तो अपना हर चीज से सुविधा भी तो दे रहा, को दे रहा इंसान? हाँ। थोड़ी दे रहा। हाँ। है भगवान की महिमा। हाँ। भगवान ही सब कुछ दे रहा। हाँ। अपना तो कोई नहीं। भक्ति में गुटका भी चबा रहे हैं ये कैसी भक्ति? प्यास लगी तो थोड़ा बहुत खा लिया। प्यास लगती है तो गुटके से थोड़ा कम हो जाता है। इधर आ जाइए, नहीं तो पानी तो है नहीं। हाँ, अगर पानी ले लेते हैं तो फिर थोड़ी देर में फिर गर्म हो जाता है। तो गुटका थोड़ा दूर तक चलाता है? नहीं, तो मीठी सुपारी खा ली, थोड़ी देर चले गए, खाते ही हैं। हाँ। खाते हैं तो खा लिया, थोड़ा चले गए। अच्छा, अपने शास्त्रों में लिखा है दीदी कि मुझको पत्थरों में ना ढूंढो, मुझको अपने दिल में ढूंढो, मैं हर इंसान में नजर आऊंगा। नहीं, भगवान तो पत्थर में भी होते हैं। मानो पूजो तो भगवान तो इंसानों में भी है। हाँ, इंसानों में आजकल कम है, लेकिन पत्थर में ज्यादा है। पत्थर में ज्यादा? हाँ, जहाँ भी पूजो तो पत्थर भी पूजो तो भगवान मिलती है। हाँ, तो इंसान तो ऐसा है, कोई कभी भी धोखा दे सकता है। कबीर जी ने कहा था, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूज लूं पहाड़। ये सुन का यही कहानी है? नहीं, उनके कहने का मतलब ये था कि अगर पत्थर में भगवान है तो हम पहाड़ की पूजा करें। फिर पहाड़ में थोड़ी है, पत्थर को कहना ही है। तो आपने पूरी लंका उठा के ले आए तो थोड़ी है, ये तो जब ही लंका उठाई जाती है, जब राम शक्त बोल लगी थी, जब वही लक्ष्मण शक्ति जब वही मिलो तो सब। हाँ। क्या मनौती थी आपकी? क्या पूरी? हमारे बेटे की मनौती थी, वो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था बस। क्या नहीं था मतलब? बेटा ही कहेगा, हमारा बेटा सही हो जाए बस। क्या दिक्कत थी? लड़का कहाँ करिया से नीचे पैर में लड़का। क्या दिक्कत थी उनको? क्या कुछ नहीं, झुन्न पानी हो गया, झुन्न हो गया, लड़का रियाने लगा है जी, पैर लड़का रियाने लगी जी, और कुछ नहीं करिया। जैसे उठता था बैठता तो था, मतलब कोई ऑटो वगैरह ले लेती है? नहीं नहीं नहीं, पैदल। क्यों पैदल? आई अपनी खुशी से। अच्छा जी, कितनी बार जाते हैं आप लोग ऐसे? अब ऐसे तो नहीं जाते हैं, एक ही बार, पहली बार जाते हैं। पहली बार? पहली एक ही बार गया, गिर गए। नहीं, हमको नहीं आएंगे, उनकी कृपा है, जब कैसे आएगी? जब वे इतनी शक्ति दे हैं कि वहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कैसे आएंगे चक्कर? कितना दूर आप चल चुकी हैं? अभी हम चले गए 23 किलोमीटर चले। 23 चल चुकी हैं, 60 और चलना है जी, 62 किलोमीटर चलना है। ऐसे इतना दूर पहले कभी चली हैं? नहीं, पहली बार। पहली बार? पहले। थकान हो रहा है? हाँ, नहीं अभी तो नहीं, शुरू शुरू में थकान हुई थी, लेकिन अब नहीं है। हाँ। अब तो अच्छा लगता है।
तो ऐसे नहीं लग रहा है इतना तेज धूप नहीं है, नहीं धूप नहीं, नहीं नहीं काला गोरे से कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ता नहीं आँख के सामने धुंधलापन नहीं हमको नहीं होता है हाँ। नहीं अच्छा क्या क्या अच्छा लगता है हमको तो कुछ नहीं सब अच्छा लगता है उन्हीं का ध्यान देते हैं धाम में नहीं उनका धाम में सब कुछ लगते है शंका जी है और सन्यासी बाबा है बालाजी बागेश्वर धाम है राम राम दरबार है सभी जगह जहाँ भी जाओ वही अच्छा लगता है जी तो जो मनौती मांगो सब हाँ पूरी हो जाती है अच्छा। दिल से मानो सो सब भगवान है हाँ। ना मानो तो कई आदमी कोई कोई को कुछ नहीं होता है हाँ। जैसे अपन खाते हैं पीते हैं हाँ। ना मांस मंदरा खाओ ना लहसुन प्याज खाओ हाँ। कुछ नहीं खाना चाहिए हाँ। तो आपके साथ ये जो भैया जा रहे हैं उनको गुटके के लिए मना नहीं कर रहे मांस मदिरा ना खाओ नहीं जे चीज काम में मना नहीं है मांस मंदरा जो आपको अच्छा है वो मनाई नहीं है और जो जो इनको अच्छा नहीं लगता उसमें मनाई है अपनी खुशी है हमारे लिए मनाई नहीं है कोई सा लेकिन दारू और नहीं दारू नहीं पीते नहीं 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 दारू ना पीना चाहिए हाँ, गुटका खाना चाहिए मांस मंदरा ना गुटका तो ऐसा कोई नहीं मना कर सकता है क्यों एक चीज तो कोई आदमी जब अमल सीख जाता है तो ये सब छोड़ दे तो ऐसे ही कोई एक चीज ऐसे ही कोई एक चीज हो सकता है जी उसका नशा शुरू कर दे नहीं नहीं अब जिसको गुटका खाना है सफर में तो ज्यादा अच्छा लगता है जी तो आपको कौन सा नशा है हम ना कोई नहीं है कोई नहीं 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 कोई नहीं है बस सीधा खाना है बाप रे खाना चाहे रात भर चलना पड़ेगा जी मतलब ऐसे समझिए जी कि अभी यहाँ से दीदी बता रही है कि छतरपुर 60 किलोमीटर अभी और है नहीं छतरपुर 60 नहीं है हाँ, जो दरबार है 31 किलोमीटर है हाँ, वहाँ 30 किलोमीटर है दरबार तक 60 किलोमीटर है अच्छा जी मतलब छतरपुर शुरू हो जाएगा लेकिन दरबार 60 किलोमीटर हाँ जी तो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं सबकी अपनी आस्था श्रद्धा है पर मेरा अपना मानना है कि आप भगवान को जहाँ बुलाएंगे अगर आप आ जाएंगे वहाँ आ जाएंगे जब तो क्यों जा रही हूँ उतना दूर जब भी कष्ट पड़ेगा उनका कहना है जही संकट मोचन प्रकट हो जाएंगे हाँ, हाँ। तो फिर आप कहाँ जा रही वो अपनी श्रद्धा से अपनी हमारी इच्छा है खुशी है इसलिए हम जा रहे हैं और कोई मनौती नहीं है हमने ऐसा एक एक मंगलवार को कह दिया था दूसरे मंगलवार को अर्जी लग गई इसलिए हम खुशी से जा रहे हैं अच्छा अर्जी में क्या बोले थे अर्जी में सब कुछ बोल दिया हमने हा? सब कुछ जो जो हमारी इच्छा थी उनने सब कुछ बोल दिया अच्छा जी सब कुछ अब ये चार लोग बैठ के जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने जी हैं कुछ अनहोनी हो जाए नहीं कैसे हो जाएगी उनको क्या अभी चार नहीं चार लोग बैठ के जा ऐसे तो ऐसे आके जान के गिरो ही तैसे तो अपने आप में पहुंच जाए तो विभाग से बालाजी खुद कह रहा है कि तुम इतने जाने जाओ ना जाओ ना जाओ चार चार ना जाओ कोई फिर कुछ लोग बोलेंगे जगह नहीं है तो चले जा रहे हैं जैसे आप बोलेंगे नशा हो जाए गुटका का तो फिर कोई बात नहीं ऐसा कोई नहीं हाँ, अपनी आस्था देखो जानबूझ के ना करो कि इस चीज में अपना नुकसान है तो वो चीज ना करो इसलिए भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम ये करो चार जने बैठो एक गाड़ी पे चार जने थोड़ी बनते दो आदमी की गाड़ी है दो जने बैठो चार पहिया में चार जने बैठो ऐसा थोड़ी है देखिए चलिए दीदी आपको बहुत शुभकामनाएं भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें हाँ भैया चक्कर आ रहे हैं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं। भगवान की कृपा है भगवान की कृपा है उन्हीं की छाया है धूप हाँ। दोस्तों धूप बहुत तेज है और थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है कि स्किन जो है आपकी जल रही है इतना तेज तपन है इतनी तेज गर्मी है लेकिन ऐसे में भी जिनकी श्रद्धा है उनके चेहरे पर दिखा दीजिए एक बार मुस्कान बनी हुई है तो अपने देश में चाहे दो को मुस्कान हमेशा मुस्कुराती रहती है जी हमारी है आदत भी है हमेशा हमको रोना आता ही नहीं है जब ज्यादा कष्ट हो जाए जब है तो बस भाई भगवान वहीं से प्रार्थना करें भगवान सबका पूर्ण कर भगवान आपकी भी मनोकामनाएं सारी पूरी जी, करें जी तो राम 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 देखिए देश अपना धर्मनिरपेक्ष है सबको अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए लोग रखते भी हैं पर मेरा अपना एक सवाल है ये कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो वो हमें कष्ट में नहीं देख सकते मतलब इतनी तपती धूप में पैदल दिखाइए चले जा रहे हैं ना गाड़ी ना कोई सवारी सड़कों पर दो लोग भगवा हनुमान जी का झंडा लेकर चले जा रहे हैं जय श्री राम का झंडा लेकर चले जा रहे हैं अब सबकी अपनी आस्था है ज़्यादा सवाल नहीं है मेरा नमस्ते मैं हूँ पल्लवी आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच मैं तो भैया चल रही हूँ